नमस्कार मित्रों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में और उनसे भी कई हजार गुना ज्यादा आज के इस ज्ञानवर्धक खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में वृश्चिक राशि वालों। मेरे प्यारे मित्रों, भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से बेटा अब तुम्हें सब्र का फल मिलेगा। जी हाँ, एक प्रकार से यूं कहें कि अब तुम्हें बिना मेहनत का फल मिलेगा। दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। यह खुशखबरी अपने हाथ से जाने मत देना। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ग्रहों के राजा भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से अगले 24 घंटे के भीतर आपकी कुंडली में एक बहुत बड़ा उलट फेर होगा और फिर सब कुछ बदल कर रख देगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ऐसी वीडियो बार बार नहीं बनती है, इसलिए सभी कामों को छोड़कर सबसे पहले आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अभी देख लो। आज की इस वीडियो को जो अंत तक देख लेगा उन्हें अपने मेहनत का फल मिलकर रहेगा। जी हां, उन्हें अपने मेहनत का फल प्राप्त करने से दुनिया का कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत, इस बात की फुल गारंटी है। क्योंकि ग्रहों के राजा भगवान सूर्य देवता अब आपके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान हो चुके हैं और उनका कृपा और आशीर्वाद अब आपके ऊपर पड़ने वाला है। अब आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ा चमत्कार आपकी जिंदगी में होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस तरह के चमत्कार और इस तरह की घटना आपके जीवन में आज से पहले कभी नहीं हुआ था और ना ही कभी इस तरह की घटना आपके जीवन में कभी होगा। क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर कलयुग की सबसे बड़ी अद्भुत घटना घटने वाली है। बाबा बागेश्वर धाम के पर्चे में निकला है, तीन बड़े ग्रह आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में बहुत बड़ा तांडव करने वाले। दोस्तों, समय रहते जान लो, नहीं तो यह तीन बड़े ग्रह आपके जीवन में तबाही मचा देंगे। जी हां, और ऐसा तबाही मचाएंगे जो कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचेंगे। बहुत बड़ा बदलाव अगले 24 घंटे के बेहतर आपके जीवन में होगा, वह भी अंतरिक्ष के सबसे बड़े देवता भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से। आपको बता दें कि अगले 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली में जो ग्रह गोचर बन रहे हैं, इससे साफ साफ यह पता चलता है कि अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में बहुत बड़ा उलटफेर होगा। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपना थोड़ा सा कीमती समय देकर इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो को बिना काटे, बिना स्किप किए, तभी आपको इस शुभ अवसर का लाभ मिल पाएगा। लेकिन उससे पहले हमारी आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि माता रानी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, मैं सबसे पहले अपने इन प्यारे हाथों से वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी का नारा लगाकर माता रानी के दरबार में, माता रानी के चरणों में अपनी हाजिरी लगा दे। दोस्तों, आपके जीवन में जितने भी दुख, दर्द, परेशानी, कष्ट, मुसीबत चल रही है, उन सभी से आपको छुटकारा मिलने लगेगा और जो भी आपके बिगड़े कार्य हैं, सभी कार्य एक एक करके बनने लगेंगे और संपन्न होने लगेंगे, तो आप जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम वही जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर ग्रहों के राजा भगवान सूर्य देव जी आपको क्या क्या देने वाले हैं, कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, कौन से बड़े लाभ होने वाले हैं, उन सभी के बारे में एक एक करके विस्तार से जानेंगे। वह भी ग्रह गोचर के आधार पर, ग्रह गोचर के अनुसार हम आपको यह भी बताएंगे कि सितारे अभी आपके पक्ष में हैं भी या नहीं, यह ग्रह सितारे कौन कौन से संकेत दे रहे हैं, वह संकेत शुभ होंगे या अशुभ, इसकी संपूर्ण चर्चा करेंगे, वह भी आज के इसी वीडियो में। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो में अंत तक बन रहे, हमारे साथ आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी धमाकेदार खुशखबरी आपके जीवन में दस्तक देने वाले हैं। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर यह दो बड़े कार्य आप कर लेना, मैं लिख कर देता हूं, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, लोग आपके तलवे चाटने लगेंगे और लोग अपनी दोनों हाथ जोड़कर आपको सलाम करने लगेंगे। जी हां, देखिए दोस्तों, अंतरिक्ष में जो भी ग्रह बनते हैं, सभी ग्रह लाभदायक नहीं होते हैं और ना ही नुकसानदायक होते हैं। सही समय पर उनके बारे में जानने की जरूरत होती है, क्योंकि अंतरिक्ष के ग्रह गोचर ही इंसान के जीवन में परिवर्तन करता है। जब जब अंतरिक्ष में ग्रह गोचर अपना परिवर्तन करते हैं, तब तब जातक के जीवन में परिवर्तन होता है।
लेकिन कुछ लोग छोटी मोटी चीज को समझकर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, उनमें से कुछ लोग समझदार भी होते हैं, और जो लोग समझदार होते हैं वे लोग इसका भरपूर लाभ उठाते हैं। दोस्तों, मुझे पता है कि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा दुख तकलीफ में है, क्योंकि पिछले काफी समय से आपके जीवन में तरक्की रुकी हुई है। पिछले काफी समय से आप अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। आप कितना भी प्रयास करते हैं, कितना भी मेहनत करते हैं, लेकिन आपको अपने मेहनत का परिणाम बिल्कुल शून्य के बराबर मिलता है। इसलिए आप अपने जीवन में सही से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जी हाँ, लेकिन अब आपके जीवन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब आपको अंतरिक्ष के दो बड़े देवता का आशीर्वाद मिलने वाला है, और साथ ही साथ भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है। ग्रहों के राजा भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से अब आप अपने जीवन में तरक्की करने वाले हैं, और आपके सारे रुख बिगड़े कार्य भी बनने वाले हैं। भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है, जिससे आप अपने जीवन में बहुत तेजी से तरक्की करोगे और आगे बढ़ोगे। दोस्तों, जिस चीज के लिए आप वर्षों से मेहनत करते आ रहे थे, वह चीज अब आपको ग्रहों के राजा भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से मिलेगा, लेकिन आपको अपने जुबान को बिल्कुल बंद रखना होगा। जी हाँ, एक प्रकार से यूं कहें कि आपको अपनी जुबान पर ताला लगाकर रखना होगा, क्योंकि ग्रहण के राजा भगवान सूर्य देवता अगले 24 घंटे के अंदर आपको अपने जीवन की बहुत बड़ी चीज गिफ्ट करने वाले हैं। जी हाँ, अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ा सरप्राइज आपको मिलने वाला है, और यह बात हम यूं ही हवा में नहीं कह रहे हैं। बहुत ही जांच पारख करने के बाद, पूरी कुंडली आकलन करने के बाद यह बात हमने लिखी है, और यह सभी बातें 110% सत्य होने वाली हैं, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली में यह जो ग्रह बन रही है, यह बड़े ग्रह आपकी किस्मत को बदल देगी, जिससे कि आपकी किस्मत हीरे मोती से भी तेज चमकने लगेगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से अब आपकी बरसों की तपस्या का फल मिलेगा। जी हाँ, आपको वह फल मिलेगा जिस फल की आप हकदार हैं, जिस फल के लिए आप दिन रात चित्तौड़ मेहनत कर रहे थे, अब आपकी वही मेहनत रंग लाने वाली है। जी हाँ, अगले 24 घंटे के अंदर 5 बहुत बड़ा शुभ समाचार मिलेगा, बड़ा सरप्राइज। इसलिए सभी कामों को छोड़कर सबसे पहले आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लो। अगर आप वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो आप बहुत बड़ा धनवान इंसान बन जाओगे, और जो आज की इस वीडियो को अंत तक नहीं देखेगा, नजरअंदाज करेगा, वे लोग जानबूझकर एक बहुत बड़ा शुभ अवसर, बहुत बड़ा मौका अपने हाथ से गंवा देगा। जी हाँ, आपकी किस्मत के सितारे हमें यह संकेत दे रहे हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर एक नहीं तो नहीं 5 बड़े परिवर्तन होंगे, और यह परिवर्तन आपको मालामाल कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, आपकी कुंडली में कार्य सिद्धि योग, भाग्यवान योग, 2 राजयोग और 1 धन योग बन चुका है, जिससे कि अगले 24 घंटे के भीतर आपकी कुंडली में बहुत बड़ा उलटफेर होगा, और एक एक करके 5 बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। दोस्तों, आपको ध्यान देने की जरूरत है कि इस खुशखबरी के राज के बारे में आपके दुश्मनों को कानों कान भी खबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग लगे हैं आपको गिराने में, आपकी बर्बादी का इंतजार कर रहे हैं। आपकी बर्बादी में जश्न मनाने के लिए आपके दुश्मन तैयार हैं, इसलिए आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि जो इंसान सोच समझकर चलता है, उस इंसान से गलती बहुत कम होती है, और उन्हें आगे चलकर पछताना भी नहीं पड़ता है। मानता हूं कि 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलता है, लेकिन 1 मिनट में सोचकर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है, और ऐसा ही अब आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपके साथ होने वाला है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से अब आपकी मेहनत, आपका प्रयास रंग लाने वाली है, क्योंकि पिछले काफी समय से आपकी तरक्की रुकी हुई थी। जी हां, क्योंकि किसी ने आपकी किस्मत को बंद दिया था अपने बुरे नकारात्मक शक्ति से। किस कारण से आप अपने जीवन में काफी लंबे समय से तरक्की नहीं कर पा रहे थे? आप प्रयास बहुत करते थे, लेकिन आपकी प्रयास सफल नहीं हो पाती थी। आप जहां भी कहीं जाते थे, आपको असफलता ही हाथ लगती थी, और यह सब आपके जीवन में इसलिए हो रहा था क्योंकि कुछ लोग आपका दोस्त बनकर आपकी पीठ पीछे बहुत बड़ा कांड कर रहा था। दोस्तों, एक कहावत है, कहते हैं ना कि
अच्छे लोगों के साथ कभी भी गलत मत करना, क्योंकि उनके साथ अपनी बात आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि जनता कोई नहीं होता है, उनका ईश्वर होता है। और जिनके साथ ईश्वर, उन्हें तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर रहते कोई किसी का बाल भी बांका नहीं कर सकता। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, अभी साढ़े साथी की वजह से आप लोगों के जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं जिस कारण आप लोग अपने कार्य क्षेत्र में दबाव का ही सामना कर रहे हैं। आपकी स्थितियां दिन प्रतिदिन अटूट मेहनत के बावजूद भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके स्थितियों में सुधार आने की बजाय और बिगड़ती जा रही है। यानी कि बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको काम सफलता देखने को मिल रही है। देखिए मेरे प्यार मित्रों, आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, यह मेहनत बिल्कुल सही दिशा में कर रहे हैं और बिल्कुल सही तरीके से मेहनत कर रहे हैं। आपको और थोड़ा सा प्रयास करने की जरूरत है और प्रयास से ज्यादा आपको ध्यान रखना होगा। जी हां, क्योंकि कभी कभार हमें अपने मेहनत का फल मिलने में भी विलंब हो जाता है। आपको अपनी मेहनत का फल धीरे धीरे करके मिल रहा है, लेकिन जिस प्रकार आप अपनी मेहनत का फल ढूंढ रहे हैं, जिस प्रकार से मेहनत का फल पाना चाहते हैं, उसे प्रकार से फल आपको अभी नहीं मिल पा रही है। लेकिन आपको अपना मेहनत और प्रयास ऐसे ही जारी रखने की जरूरत है। हो सके तो आप अपनी मेहनत थोड़ा और बढ़ा दें, क्योंकि जब सफलता आपको मिलेगी तब उसे समय आपको पता चलेगा कि मेहनत चाहे कितनी खामोशी से क्यों ना करो, लेकिन सफलता शोर मचा देती है। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी सफलता पूरे गली मोहल्ले में शोर मचाने वाली है। जी हां, देखिए मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कठिन परिस्थिति में व्यक्ति मजबूत होता है और बहुत कुछ सीख भी जाता है, तो यह अनुभव इस समय अवधि में आपको जरूर प्राप्त होगा। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, हम आपको बता दें कि इन दिनों आप लोग बहुत अनुभवों के साथ बुद्धिमानी से अपने जीवन में कार्य करते हुए नजर आएंगे और एक बेहतरीन परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि मौज मस्ती और मनपसंद से कार्य करने का दिन है। बस आप अपनी सोच को पॉजिटिव बनाकर रखें, नकारात्मक चीजों को अपने अंदर जगह ना दें, ना ही दिल में और ना ही दिमाग में, तो यह आपके लिए बेहतर होंगे। सितारे कहते हैं कि इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करें, क्योंकि इस समय अवधि में आपको बेहतरीन परिणाम प्राप्त हो सकता है। देखिए दोस्तों, यदि आप लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो आप इतना ध्यान जरूर रखें कि इस समय अवधि में आपको अच्छा खासा लाभ हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि निवेश सही जगह पर होना चाहिए। जी हां, इस समय अवधि में आप कोई भी कार्य करने से पहले उनके परिणामों के बारे में आप अच्छी तरह से सोच विचार कर लें, क्योंकि भाग्य अभी आपका अच्छा खासा साथ दे रहा है, इसलिए भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। लेकिन आपको यह गलती नहीं करना है कि कोई कोई इंसान ऐसे भी होते हैं जो कि हर हमेशा भाग्य के भरोसे ही बैठे रहते हैं। यह गलत ही आपको नहीं करना है, क्योंकि भाग्य कभी कभी वीक हो जाता है। ऐसे में भाग्य के भरोसे रहना ठीक नहीं होता है। मेहनत करते रहे और अपने मेहनत में परिवर्तन लाने का प्रयास करें। जब आपका मेहनत सही जगह पर होगा तब परिणाम भी आपको बेहतरीन मिलेगा और उसे समय भाग्य भी साथ देने लगता है। रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियां की तलवे को देखें और फिर ऊपर वाले सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें, सभी देवी देवताओं का नाम लेने और फिर सूर्य देव जी को 3 बार प्रणाम करें, दिन की शुरुआत अच्छी होगी। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में दो बहुत बड़ी विचित्र घटना होगी। जी हां, और अचानक से सब कुछ बदल जाएगा। दोस्तों, कलयुग में पहली बार ऐसा घटना आपके जीवन में होगा, अचानक होगा, बहुत बड़ा उलटफेर, और आपको मिलेगी बहुत बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, समय बहुत कम है और खुशखबरी कामयाबी बहुत बड़ी है, इसलिए थोड़ा सा समय देकर आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले महाबली महाशक्तिशाली भगवान बजरंग बली जी के जितने भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह सभी लोग सर्वप्रथम वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ अपने इन प्यारे हाथों से नीचे कमेंट बॉक्स में जय महाबली, जय वीर बजरंग बली जरूर लिखें। दोस्तों,
महाबली महाशक्तिशाली भगवान वीर बजरंग बली जी के आशीर्वाद से अब आपके जीवन से सभी कष्ट दुख दर्द परेशानी दूर हो जाएंगे, इसलिए प्रेम से जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी तीन बड़ी इच्छा पूरी होगी भगवान वीर बजरंग बली जी के आशीर्वाद से। दोस्तों, आपको जो जो चीज चाहिए वह सब मिलेगा, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो क्योंकि भगवान वीर बजरंग बली जी का कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर अब पढ़ने वाला है। दोस्तों, अब इस राशि के हर एक जातकों का जीवन बदलने वाला है। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ा संदेश आपको मिलने वाला है और यह संदेश महाबली महाशक्तिशाली भगवान वीर बजरंग बली जी ने भेजा है खास आपके लिए। अगले 24 घंटे के अंदर एक पत्र आपको मिलेगा और यह पत्र आपकी जिंदगी को बदल देगा। आपके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी चल रही है, सभी कष्ट और परेशानियों को जड़ से खत्म कर देंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो को जो पूरा अंत तक देख लेगा, सभी कामों को छोड़कर उनका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। जी हां, एक प्रकार से यूं कहें कि उन्हें मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके कर्मों का हिसाब किताब होने वाला है। और मुझे पता है कि आप अपने जीवन में कौन कौन से कर्म किए हैं। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके कर्मों की पोटली खुलने वाली है और आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। जी हां, और यह पोटली महाबली महाशक्तिशाली वीर बजरंग बली जी खोलने वाले हैं। अब आपके दुश्मनों की हवा टाइट होने वाली है, क्योंकि जिन लोगों ने बेवजह आपको परेशान किया था, उन सभी लोगों को अब भगवान वीर बजरंग बली जी बहुत बड़ा दंड देने वाले हैं। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपके दुश्मनों को भगवान वीर बजरंग बली की धूल चटाने वाले हैं और आपको आसमान में लेकर जाने वाले हैं। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको अपने कर्मों का उचित परिणाम मिलने वाला है, आपको अपने मेहनत का उचित फल मिलने वाला है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर आपको वह सब कुछ मिलने वाला है जिन चीजों की आप हकदार हैं। यह सब तो आपके कर्मों का परिणाम है, आपके कर्मों का फल है, यह तो आपको मिलना ही था। कहते हैं ना, भगवान के घर भले देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं हो सकती। दोस्तों, भगवान की लीला बड़ी न्यारी है, भगवान का खेल बहुत निराला है। कहते हैं ना, भगवान कब कहां और किस रूप में मिल जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। बस इंसान का कर्म अच्छा होना चाहिए, इंसान सही रास्ता पर चलने चाहिए, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि अरे मूर्ख, तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। जब तुम्हारा सही वक्त आएगा और जब तुम्हारी बारी आएगी तो तुम्हें कहीं पर भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें घर बैठे ही वह सब कुछ दे दूंगा जिन चीजों की तुम्हें जरूरत है, जिन चीजों के तुम हकदार हो। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महाबली महाशक्तिशाली भगवान वीर बजरंग बली जी के आशीर्वाद से अब आपका बेड़ा पार होने वाला है और आपको वह सभी सुख मिलने वाला है जो सुख आप तलाश रहे थे। देखिए दोस्तों, अब आपको कहीं पर भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे ही आपकी बहुत सभी इच्छा पूरी हो जाएगी, जो इच्छा कई सालों से कई वर्षों से अधूरी थी। जी हां, अब आपकी अधूरी सभी इच्छा पूरी होने वाली है, अब आपके सारे सपने सच होने वाले हैं। बस आपको कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखनी होगी, कुछ उपाय करनी होगी जो आगे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। उपाय बहुत ही सरल है, बहुत ही साधारण है। आपको जब भी मौका मिले, जिस दिन मौका मिले, आप चुपके से उपाय कर लेना आपके जीवन में और आपकी किस्मत में। अगर चार चांद ना लग जाए तो फिर कहना हम आज के बाद भविष्यवाणी करना छोड़ देंगे। अगर मेरी भविष्यवाणी एक भी गलत हो गया तो, क्योंकि मेरी भविष्यवाणी एकदम रामबाण साबित होती है, मैं जो एक बार कह देता हूं वह होकर ही रहता है, क्योंकि संपूर्ण वीडियो ग्रह गोचर के आधार पर बनाई जाती है। दोस्तों, ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको बताएंगे आने वाले अगले 24 घंटे का संपूर्ण राशिफल, अगले 24 घंटे का महाराशिफल इस वीडियो में हम देने वाले हैं। अगले 24 घंटे आपका व्यापार कैसा रहेगा, अगले 24 घंटे आपकी नौकरी कैसी रहेगी, आपका करियर कारोबार कैसा चलेगा, आपका बिजनेस व्यापार में किस तरह से लाभ होंगे, कौन से कार्य करने से अभी लाभ की प्राप्ति होगी, आपके स्वास्थ्य में कौन सी दिक्कतें चल रही है,
किस प्रकार से उन सभी चीजों से छुटकारा मिलेगा, क्या सावधानियां बरतनी है, यानी कि ए टू जेड जानकारियां इस वीडियो में हम देंगे। आज आपको यह अनुभव करने की जरूरत है कि अतीत से चिपके रहने से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। आपको अपने अतीत से सीखना जरूर है, परंतु उसे पकड़े रहने से बात नहीं बनेगी। अगर आप आज यह समझ पाने में कामयाब हो जाते हैं, तो पिछले कुछ समय से आपके जीवन में चली आ रही बड़ी समस्याओं को सुलझाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम होगा। आप काफी लंबे समय से सही शेप में नहीं हैं, लेकिन अगर आप कुछ दिन से एक्सरसाइज नहीं कर पाए हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप यह कभी नहीं कर सकते। कोई आपके आसपास ऐसा है जो नकारात्मकता फैला रहा है, इसी से आप पर बुरा असर पड़ डीडीडीएच रहा है। अपने संबंधों को भी कुछ समय दें और इस बीच अपनी ऊर्जा का प्रयोग अपने भले के लिए करें। आपकी वित्तीय स्थिति काफी अच्छी है और आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन एक असामान्य से घटनाक्रम में आप किसी ऐसे से मिलेंगे जो आपको और आपके स्वभाव से प्यार करेगा। वह आपकी प्राकृतिक प्रतिभा की भी प्रशंसा करेगा। आप इसके बारे में सोचना शुरू करेंगे और आपको पता भी ना चलेगा कि आप कब उससे रोमांटिक तरीके से प्यार करने लगे हो। बहुत अच्छी पसंद है, निश्चिंत होकर आगे बढ़ें। आज का दिन निवेश के लिए उपयुक्त है, बशर्ते कि आपने उसके लिए पहले से ही कुछ नीतियां बनाई हुई हों। किसी के आग्रह पर निवेश करना से आपको सही फल नहीं मिलेगा, किंतु अगर आप गहराई से अनुसंधान करें तो आप सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। आपके निवेश आपको लंबी दूरी के लक्ष्यों को पूरा करने में मददगार साबित होंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक स्थिति को समझकर निवेश करें। आज के दिन आप अपने आसपास सभी को अपनी सोच और किसी भी स्थिति को सही समझने की योग्यता से प्रभावित करेंगे। अपने कार्यस्थल की किसी बद्धी समस्या या किसी दोस्त की परेशानी का बहुत रचनात्मक सा हल निकलकर छा जाएंगे। आपके लिए रोमांचक समय है। आपको किसी का ध्यान अपनी ओर खींचने की जरूरत नहीं है, बल्कि लोग खुद आपकी ओर सहायता लेने के लिए आएंगे। आप आज ऊर्जा से भरे हैं। अपनी अतिरिक्त ऊर्जा का प्रयोग खुद को फिट और स्वस्थ रखने के प्रयासों में करें। हर रोज नियमित और सही तरीके से एक्सरसाइज करने को अपनी आदत बनाएं। इस बारे में समर्पित रहें और टालमटोल न करें। आपको अपनी सेहत के मामले में लापरवाही बहुत ही महंगी पड़ेगी, इसीलिए अपने रूटीन स्वास्थ्य संबंधी अपनी आदतों पर खास ध्यान दें। आपके लिए आज भी अपने प्रियतम के करीब आ पाना मुश्किल रहेगा। वास्तव में आप उनके काफी करीब हैं, लेकिन अपनी अपरिपक्वता के चलते आप भावनाओं के बदले में उलझे हुए हैं। आप यह चाहते हैं कि आप दोनों शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही स्तरों पर और करीब आने से पहले एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ और जान लें। इस भावनात्मक गुफ्तगू के बाद आपके रिश्ते में काफी मजबूती आएगी। आज के दिन आप अपने आप को प्रौद्योगिकी में पिछड़ा हुआ सा महसूस करेंगे। आपको अपने सहकर्मियों से आगे निकलने के लिए कुछ नई प्रौद्योगिकी एवं कौशल सीखना होगा। आज आप एक योजनाकार और आत्मा मंथन मुद्रा में रहेंगे। अपने वरिष्ठ सहकर्मियों से मदद लें। आज अप्रत्याशित रूप से काफी खर्च हो सकता है। आप कोई ऐसी चीज खरीद सकते हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अच्छी लगती है। इससे आपकी वित्तीय स्थिति काफी प्रभावित भी होगी। अपनी इस खर्च करने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखें तो दिन शांति से गुजर जाएगा। आपको आज कुछ नई वित्तीय योजनाएं भी पता चलेंगी। आज का दिन आपके स्वास्थ्य और फिटनेस कार्यक्रम में बदलाव के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आप आज नई शारीरिक एक्सरसाइज और दूसरे कार्यकलाप शुरू कर सकते हैं। आज आप में अपने स्वास्थ्य की विशेष देखभाल का जोश देखने को मिलेगा। हालांकि आपको यह भी समझना चाहिए कि आपका मानसिक स्वास्थ्य काफी हद तक शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा है, और एक में दिक्कत होने पर दूसरा ठीक नहीं रह सकता। निजी जीवन में पार्टनरशिप में काम करने की योग्यता आपको अपने प्रोफेशनल जीवन में भी बहुत काम आने वाली है। आप और आपके पार्टनर मिलजुल कर जो भी काम करेंगे, चाहे वह प्यार हो या बिजनेस, आपको खूब सफलता मिलेगी। आप दोनों को एक दूसरे की खूबियों और कमियों की बहुत अच्छी समझ है और आपकी आपस में खूब बनती है। हमेशा ऐसे ही बने रहें। आज एक नई नौकरी की पेशकश आपके रास्ते में आने की संभावना है। सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए
विशेष रूप से अच्छे अवसर है। आप अपनी नौकरी बदलने के बारे में नहीं सोच रहे हैं और हो सकता है कि मौजूदा नौकरी में आप संतुष्ट हों, लेकिन नई नौकरी बेजोड़ अवसरों को अपने साथ लाएगी। यह एक जोखिम भरा कदम हो सकता है, लेकिन आगे बढ़ने में यह कदम काफी कारगर साबित होगा। आज के दिन आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं रहेंगी। आप अपने वर्तमान घर या नौकरी में बदलाव का फैसला ले सकते हैं। कशमकश में न रहें, बदलाव होना अच्छा ही रहेगा। आपको किसी ऐसे आदमी से बात करके अप्रत्याशित सहायता मिल सकती है जो चुपचाप आपकी भलाई चाहता रहा है। आपने आजकल के खाने पर बहुत ध्यान दें और उसमें स्वास्थ्यकर चीजों को शामिल करें। अपने राकत चाप को नियंत्रण में रखने के लिए खूब सारा पानी पिएं। कोशिश करके अपने निजी संबंधों के बारे में बाद में सोचें, क्योंकि इससे आपको पाचन संबंधी परेशानियों की शिकायत के साथ साथ स्वास्थ्य में भी बाधा ही पहुंचेगी। खुद को मानसिक रूप से शांत रखें और बाकी किसी चीज के बारे में न सोचें। आज का दिन बस मस्ती मजे और डिनर के लिए बहुत अच्छा है। आपके आसपास बहुत सारे लोग आपको आकर्षित करने के लिए मंडराएंगे। इनमें से सब अपना स्वार्थ ही देख रहे हैं, इनमें से एक भी गंभीरता से सोचने के लायक नहीं है। हालांकि उनमें से कोई एक आपका अच्छा दोस्त बन सकता है, जिसके साथ आप प्लेटोनिक लेवल पर दोस्ती रख सकते हैं। आज आप किसी के एहसान का बदला उतारने की दिशा में पहला कदम उठाएंगे। यह कदम मानसिक, वित्तीय या आध्यात्मिक हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप आज अपने सारे एहसान उतार पाएंगे। लेकिन आपको कम से कम यह संतुष्टि जरूर होगी कि आप ऐसा करने की दिशा में कदम तो उठा रहे हैं। इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप एक ही साथ कई चीजों के बारे में चिंतित हैं, लेकिन इससे आपका तनाव भी बरैच रहा है। धरती पर नंगे पैर चलने की कोशिश करें, इससे आपके शरीर और दिमाग दोनों को ही ताजगी मिलेगी। आपकी आंखों में दर्द की समस्या हो सकती है, इसलिए आंखों को अच्छी प्रकार धोएं और ज्यादातर समय सोने की कोशिश करें। आपके रिश्ते में हाल फिलहाल काफी उलझने रही हैं और आप अपने पार्टनर के इशारे या जो वह आपको समझाना चाह रहे हैं वह नहीं समझ पाए हैं। आज आपको अपने पार्टनर के बारे में कोई ऐसी सूचना मिलेगी जिससे आपको स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। आप इसके आधार पर कोई निर्णयात्मक कदम भी उठा सकते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए भी शांति बनाए रखें। आपके कार्य क्षेत्र या करियर में परिवर्तन आने के संकेत हैं। अगर आप अपनी नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो आज आपके अंतिम कदम उठाने की संभावना है। हो सकता है कि आप अपना प्रशिक्षण संस्थान भी खोलें, जो कि आप लंबे समय से करना चाहते थे। इस प्रक्रिया में आपको कुछ जोखिम भी लेने पड़ सकते हैं, पर यह भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आप आज किसी मनोरंजक व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करेंगे, उसके साथ मजेदार बातचीत से समय अच्छा गुजरेगा। इस आदमी से सीखने और प्रेरणा लेने की कोशिश करें, इससे आपको और लोगों की मन स्थिति समझने में भी मदद मिलेगी। परिवार की यात्रा में अगर अपनी मनपसंद जगह जाना है तो योजना बनाने के समय सबसे आगे रहें। आपके लिए आज कुछ सरप्राइज होंगे, लेकिन चिंता न करें, ये सब अच्छे ही होंगे। कुछ ऐसी चीजें जिनके होने का आप काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं आज पूरी हो सकती हैं। आप जिन प्रयासों को व्यर्थ मान चुके थे आज उनका फल भी आपको मिल सकता है। इसीलिए आज रात दोस्तों और परिवार के साथ सेलिब्रेट करें। हो सकता है कि उनके पास भी आपके लिए कोई अच्छी खबर हो। आपके प्रेम प्रसंगों में एक तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के मजबूत संकेत मिल रहे हैं। आप या आपका साथी किसी अन्य व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकता है। आपके अतीत का पुराना प्यार आपके जीवन में वापस प्रवेश कर सकता है। ये हस्तक्षेप आपके करीबी मित्रों या आपके साथी के माता पिता से आ सकती है। समय की आवश्यकता है कि आप एक दूसरे के साथ मिलकर खा डीडीडीडीएचए रहे। हालांकि आप अच्छी तरह से अपने क्षेत्र में स्थापित हैं, पर आज आप अपने काम में बेचैनी महसूस कर सकते हैं। किसी चीज को लेकर आप में असंतोष की भावना आज आपको परेशान कर सकती है। हालांकि अभी अपनी नौकरी छोड़ देने का कदम बेवकूफी भरा होगा। ये क्षणिक भावनाएं हैं जिससे आप गुमराह हो सकते हैं, इसलिए आज किसी भी प्रमुख कैरियर निर्णय लेने से बचें। आप अपने आसपास के लोगों से अच्छी खासी सहायता और पहचान की उम्मीद रख सकते हैं।
आप मजबूत आधार और आशावादिता से भरपूर हैं और नई परियोजनाओं के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन आप में अभी भी अच्छी परियोजना को पहचानने की क्षमता बरकरार है। इसके कारण आप केवल उन्हीं परियोजनाओं में निवेश करेंगे जो भविष्य में काफी लाभकारी साबित होंगी। आपके कार्यस्थल पर बैरेच रहे तनाव से आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां जैसे माइग्रेन, चिंता, सिर दर्द और हाइपरटेंशन जैसी तकलीफें हो सकती हैं। इन सबसे बचने के लिए आपको अपने दिन की शुरुआत ध्यान, सांस की एक्सरसाइज और अन्य रिलैक्स करने वाली तकनीकों से करनी चाहिए। खूब सारा पानी पिएं और जंक फूड से दूर रहें, क्योंकि ये केवल आपके तनाव को बढ़ाएंगे। आप और आपके साथी के लिए आज जीत की स्थिति बनी हुई है। आपकी कामुक भावना आप पर हावी है, जिसके कारण आप मजबूर हैं। इसी तरह की आग दूसरी तरफ भी विद्यमान है। सचेत रहे और पूछे, आप निराश नहीं लौटेंगे। सिर्फ एक छोटी सी कोमल और देखभाल वाले दृष्टिकोण की आवश्यकता है, और वैसे भी आप एक समझदार साथी हैं। आप सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी प्रगति रुक सकती है। अगर आपने किसी भी गैजेट या कुछ रचनात्मक वस्तु का उत्पादन किया है, तो उसे जल्द से जल्द उस पर कानूनी एकाधिकार करवा लें। लोग ये साबित करने की कोशिश कर सकते हैं कि ये वस्तु उन्हीं की है, हालांकि वास्तविकता में वे शायद ही कोई भी उत्पाद की एक प्रतिकृति के निर्माण में आपके करीब आ सकते हैं।